गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 6 फ्रैक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज फ्रैक्शन? वी नो दैट वन होल ऑब्जेक्ट और ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. ठीक है, मैं इसे आपको कॉपी में समझाऊंगी. ईच फ्रैक्शन इज रिटन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर मैं इसके दो पार्ट को शेड करती हूँ, हमारा टोटल बॉक्स कितना है? 10. तो इसे हम लिखेंगे एज डिनोमिनेटर. ठीक है, टोटल बॉक्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 जो है हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में. और ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट कितना है पूरे बॉक्स में? 2. तो ये हो जाएगा हमारा 2/10. ये है आपका फ्रैक्शन. ठीक है, और फ्रैक्शन में ये 2/10 है, तो हमेशा याद रखिए, जो अपर वाला जो नंबर है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्लियर हो गया? तो इसे जरूर याद रखिएगा, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हम पूरे नंबर काउंट करते हैं, जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो शेडेड पोर्शन है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी, 2/3 है, ठीक है, तो इसे हम 3 नहीं पढ़ते, इसे हम बोलते हैं 2/3. ये 2/10 है, तो इसे हम बोलेंगे 2/10. क्लियर? यहाँ पे देखिए, बुक में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है 6.1. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर्स. तो यहाँ पे देखिए 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 2/3 मीन्स 2 आपका हो गया न्यूमरेटर और 3 हो गया आपका डिनोमिनेटर. इसे हम फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखेंगे, और उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसे हम बोलेंगे 2/3, वे ऑफ रीडिंग 2/3. इसी तरीके से 5/12, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/12. इस तरीके से आपको ये करना है. ठीक है, तो ये सारा आप खुद से करेंगे. यहाँ पे देखिए, राइट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे देखिए, इन 3/8, 8 इज द नीचे है 8, तो मैंने आपको बताया है कि नीचे वाला जो नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर. ये हो गया आपका इन 9/11 में, 9 आपका, 9 इज द न्यूमरेटर. पेंसिल से लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप लोग. ठीक है, तो इसमें आपको इनकी पोजीशन बतानी है जो आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो अगर ऊपर का नंबर पूछ रहे हैं 5 का, तो 5 हो गया आपका न्यूमरेटर. अगर पूछ रहे हैं 8 का पोजीशन, तो 8 आपका डिनोमिनेटर है. यहाँ पे सिर्फ आपको उसका पोजीशन बताना है. ठीक है, राइट द फ्रैक्शन. न्यूमरेटर आपको दिया हुआ है 4 और डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है 7, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? अगर आपको दिया हुआ है न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7, तो व्हाट इज फ्रैक्शन? अब इसको हमको फ्रैक्शन में बताना है. तो न्यूमरेटर मीन्स अपर नंबर और डिनोमिनेटर मीन्स 7 नीचे, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन. सिंपल. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 4/7. क्लियर हो गया?
यहाँ पे देखिए आपका ये जो बॉक्स है, मैंने बताया था ना कि व्हाट इज फ्रैक्शन, ये है होल ऑब्जेक्ट, ये पूरा होल ऑब्जेक्ट है, इसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे दो भाग में बांटा हुआ है, कितना, 1 2 3 4 5 6 को, ठीक है। तो आपका जो टोटल नंबर कितना है, 6, तो 6 आप कहाँ पे लिखेंगे, एज डिनोमिनेटर। और शेडेड पार्ट कितना है, 1 2, तो 2 कैसे लिखेंगे, एज न्यूमरेटर, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखकर उसको आपको राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, कलर पोर्शन और इसका वाइट पोर्शन। तो कलर्ड डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, टोटल नंबर काउंट करेंगे, कलर्ड और वाइट दोनों, और न्यूमरेटर में सिर्फ आप शेडेड पार्ट काउंट करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक और बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर कितना है, 9, और शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5, तो आपका न्यूमरेटर हो गया 5, और ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पूरा आप कर लेंगे। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1/3 × 3/3, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपका 3 1 3 और 3 3 9, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 3/9, ठीक है। एक चीज आपने यहाँ पे नोट किया है कि यहाँ पे जिसे 1/3 दिया है, तो हमने अगर मल्टीप्लाई किया है, अगर हमने डिनोमिनेटर 3 रखा है, तो हम न्यूमिनेटर भी 3 रखेंगे। फ्रैक्शन में यही होता है, अगर आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर न्यूमिनेटर जिस नंबर से आप कर रहे हैं, तो सेम डिनोमिनेटर में भी वही नंबर होगा। यहाँ भी देखिए 4/4 है, 2/2 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कोई भी आपको नंबर देंगे। सपोज मैं अगर आपसे बोल रही हूँ कि आप 2/3 करिए, तो मैं से 2 से कर रही हूँ, तो मैं डिनोमिनेटर भी 2 रखूँगी, तो 2 2 4 और 2 3 6, तो ये तब हमारा बनेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मैं ये नंबर चेंज कर देती हूँ कि अगर 2/3 है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 2/4 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं ऊपर 4 लेती हूँ तो नीचे भी 4, अगर मैं ऊपर 5 लेती हूँ तो नीचे भी 5, और अगर मैं नीचे 6 लेती हूँ तो ऊपर भी 6। कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए नंबर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 4 एंड 4 3 12, तो ये हो गया 4/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी बहुत सिंपल है, इसे भी मैं आपको कॉपी में बताती हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 5/7, 3/7, फिल इन द सर्कल्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ भी आपने नोटिस किया है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सभी का सेम है, 5 5 10 10, ठीक है, 4 4 8 8 और यहाँ पे 9 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 5/7 और ये आपको यहाँ पे सर्कल में 3/7, तो ये देखिए नीचे दोनों आपके जो नंबर है डिनोमिनेटर वो आपका सेम है, तो हम किसे ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर का नंबर है ना जो 5 और 3, ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर बिगर है, तो 5 is greater than 3, तो हमारा साइन 5/7 की तरफ जाएगा, ठीक है। एक और बताती हूँ, 3/7 है और 2/7 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, हम ऊपर देखेंगे ये 3 है ये 2 है, 3 is greater than 2, तो 3/7, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ 3/4 और यहाँ पे लेती हूँ 7/4, डिनोमिनेटर सेम, तो 3 और 7 में कौन ग्रेट है, तो ये 7 is greater than 3, तो साइन आपका ये हो गया। अगर 1/2 है और 1/2 है, तो फिर आपका साइन इक्वल होगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए
अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5/8, 3/8, 1/8, 7/8. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5/8, 3/8, 1/8, 7/8. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है 8. ऊपर देखिए 5, 3, 1, 7. तो हमने जैसे लेस देन ग्रेटर देन में किया था ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर के नंबर को देखिए. तो सबसे छोटा नंबर है आपका यहाँ पे 1. तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखना है ना, तो ये हम लिखेंगे 1/8, उसके बाद 3/8, फिर 5/8, एंड 7 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, इसलिए वो सबसे लास्ट में. जस्ट इसके अपोजिट होगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो 7/8, 5/8, 3/8, 1/8. तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर.